क्या बोल रहा है, वर्टेक्स क्या है, जीरो जीरो, तो चारों पैराबोला का वर्टेक्स जीरो जीरो होता है। फोकस बता देगा, फोकस क्या है इसका बोलो, एक्स का माइनस टू, एक्स का माइनस टू, तो माइनस टू जीरो यहीं पर आएगा, तो फोकस यहां पर है, तो कौन सा पैराबोला होगा बता दो, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो ठीक है, रिक्वायर्ड पैराबोला कैसा है पता लग गया, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। जैसे ही आपको पता लग गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं, इक्वेशन तो हमने याद कर रखी है चारों की चारों, क्या होगी इसकी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। एक काम करना है क्या, ए की वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगी बोलो, गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, फोकस, गिवन क्या है हमारे पास, फोकस, फोकस क्या दे रखा है, माइनस टू जीरो। अब इस पैराबोला का फोकस हमने याद कर रखा है, क्या होता है फोकस, माइनस ए जीरो होता है, बराबर क्या है माइनस टू जीरो, कंपेयर करोगे तो जीरो बराबर जीरो, माइनस ए बराबर माइनस टू, माइनस माइनस कटेगा तो ए बराबर कितना आ गया, टू आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर, ए की जगह क्या रखोगे टू एक्स, कोई दिक्कत भाई, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एट एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर।